वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भगवान वाल्मीकि मंदिर अड्डा भार्गव कैंप नकोदर रोड जालंधर में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन प्रधान नीलम रानी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें श्रीराम अस्पताल के माहिर डॉक्टर दिवांशु व उनकी टीम और मिनी पीजीआई अस्पताल के डॉक्टर अमित सिंघाल की टीम ने विशेष रूप से पहुंचकर मरीजों की जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की। इस मौके पर जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल की धर्मपत्नी मीतू अंगुराल और राज रानी ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि लक्की प्रधान विशनदास सहोता और अभी ने विशेष रूप से शिरकत कर इस कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्य सुरजीत, मनजीत कौर, एकता, नीतू, अनु, सुमन, आशा कल्याण, सुमन कल्याण और भगवान वाल्मीकि मंदिर कमेटी के सदस्य रजनीश कुमार, जसप्रीत सिंह, जतेंद्र कुमार, सोनू, सुरजीत कुमार, अनु बैंस, जगमोहन कुमार, मोहनलाल, अनिल रिंकू और धूरी चंद सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। अज पढ़ाई और शिक्षा बीमारी जी से बहुत महंगी है, इस करके इन्हों का बहुत एक मिशन आ रहा है कि बच्चे जोड़े साढ़े आ समाज के अंदर इलाज नहीं करा सकते, वो आके इतने अपना फ्री इलाज करा रहे। और नीलम जी सब ये पढ़ाई के नाल पढ़ाई के भी काम करते हैं और सेंटर सिलाई स्कूल का भी खोलते हैं और भगवान वाल्मीकि मंदिर के भी इन्होंने इदा ही सेंटर लगाया। और ज़्यादा ना मैं कहता हाँ कि बेटियां जड़ियाँ इन्ना काम कर दें, पर सरकार भी ध्यान देना चाहिए है कि जिते पैसे की लोड़ है उस बच्चों के काम जा सके। कई बार पैसे की लोड़ तो हर थान होती है, पर डॉक्टर का ज़्यादा मैं धन्यवाद करता कि जिन्होंने अपना टाइम कट के अज फ्री ट्यूशन लाया है।